गुरु नानक दे पातशाह जी दा शेख बजीद सैयद नू मिलना। दिल्ली तो चल के गुरु जी घरां नू नहीं मुड़े, दिल्लियों ही अगे नू तुर पए। पेख अजब तरह की फकीरी दा सी, किसी एक मत की कोई गल नहीं सी। तुरे जांदियां ने रस्ते विच एक थां बैठ के कीर्तन सुनिया ते फिर आराम करन लई बैठ गए। दूर सामने एक होर साएदार रुख सी, थोड़े चिर पिछों इस दे हेठां एक पालकी आ ठहरी। पालकी विच एक जल जलाऊ वाला पीर सी, छे कहारां ने ये पालकी चाही होई सी। पीर जी जो सफर कर रहे सन इस सुख पाल विच, इन्हां दा नाम सी बजीद। पालकी तों उतर के आप टहलन लगे ते कहारां ने विशाई कर दित्ती। आप लेट गए तद कुछ कुहार तां कुट्टण दबण लग पए, कुछ पखा करन लग गए। एक पाणी लैण खूह नूं गया, तद मरदाने ने डिठा तां श्री गुरु जी नूं पुछण लगा, क्यों भला जीओ जी, खुदा एक है कि दो? ता बाबे हस के आख्या, खुदा एक है मरदानिया। तद मरदाने क्या, चढ़ के आया किस दी पदैश है ते चक के लियाए किस दी पदैश है? नाले तां ये चढ़ के आया है, नाले थक गया है। नाले वो टुर के आए हैं, नाले वो कुट रहे हैं, फिर होर काम भी पे करते हैं। सतगुरु जी, भाई तुरन दे सुभाओ वाले तुरदे नहीं थकते, तुर के भुख लगती है, खांदे हन ते नरोए रहिंदे हन। बैठे बैठन नाल थक जांदे हन, भुख मर जांदी है, थोड़ा खाण तां तान कट जांदा है ते शरीर छेती थकन लग पैंदा है। जे वधेरा खाण तां नरोए नहीं रहिंदे, तां भी शरीर छेती थकन लग पैंदा है। तुरदा फिरदा ना मरे ते बैठड़ा मर जाए। मरदाना, पर जीओ जी, सुखपाल विच तां ये तां ही चढ़िया सी ना कि थका ना। हुण उह भावें थका है कि नहीं, पर घुटवामदा पिया है। गुरु जी मुस्कराए ते कहन लगे, मरदानिया, इस विचारे नूं दो थकान हन, घटावे ना ते की करे। पिछले जन्म तप कीते, हठ कीते, रातां जागियां, पाले सहारे, ककरां दे पाणियां विच नाते, तीर्थ हज कीते, जो सिद्धियां करामातां प्राप्त होण, सो थक गए। हुण तपां नूं फल लगा है, राज भाग मिलिया है, इस दे प्रबंध करन विच ते इस दे मिले सुखां ते भोगां विच भी थकान हुंदा है। दोहरे थकान हैं, कुटवावे ना विचारा ते की करे। हस पए मरदाना, फिर जी ये की गल होई कि इत्थे कोई सुखी है कोई दुखी है, इस दा की कारण? श्री गुरु नानक देव पातशाह जी, कारण करता जाने, कारणा दा कारण वो आप है, पर देहधारी कर्म करता है, कर्म भला हुंदा है जां बुरा, दोहां दा संस्कार अंदर अंकिया जाता है, उस मूजब सुभाव बनता है। सुभाव सुख दुख का दाता है, फिर जो बीजो सो उगदा है, पीड़ बीजो पीड़ उगेगी, सुख बीजो सुख। सो बीजन वाले अपने कर्मी दुख सुख पाउंदा है। जो तप हठ पुन दान राज भाग लई करदे हन, सो राज भाग पा के फिर जोर विच ते माड़े कर्मां विच लग पैंदे हैं। सुभाव जो नहीं सी साध्या, सो उन्हां कर्मां करके फिर दुखां दे अधिकारी हो जांदे हन। इसे करके तपो राज तो राजों नरक मिलता है। मरदाना, कीते कर्म कदे मिटदे भी हैं? श्री गुरु जी बोले, कर्म दे संस्कार अंदर पक्के बैठदे हन, कर्म दे पए
रेख ते लेख मिटदे नहीं, पर सजना कर्म जीव ने देह धार के कीते हन, अते जोश है आद रखदी है उस दा अंत भी है। सो कर्म मिटदे भी हैं, जिवें अग लाउण नाल लकड़ां दे ढेर सड़ जांदे हन, तिवें साईं प्रेम नाल कर्म। जे बंदा परमेश्वर विच लिव लावे, अपने ध्यान विच करता पुरख नूं रखे, ता अंदर पईआं कर्मां दीआं संस्कारी रेखां धोह हो जांदीआं हन। सुख दुख दे जन्म मरन कर्मां अनुसार हन, पर मुक्ति परमेश्वर दी नज़र उत्ते है। नज़र उन्हां ते हुंदी है जो नज़र नूं खिंचदे हन, ते नज़र नूं कौण खिंच सकदा है जो नज़री नाल प्यार करदा है। प्रेम दी लगन खिच है जो प्रीतम नूं भी जा खिचदी है। प्रेम अण दिसदे रब साईं नाल प्रेम उस दी याद नाल पैंदा है, उस दे गुण कीर्तन नाल पैंदा है, मेहर उस दी सवशंद विचरदी है, पर राह ए है करतार दी याद विच रहना, प्यार विच रहना, जगत विच लगदे तान शुभ कर्म करने, नेकी करनी, भलियाई वंडनी, बदी तों संकोचना। श्री गुरु जी ने इस साखी विच जो उपदेश दिता है, उह सवाल हर किसी नूं फुरदा रहिंदा है। गुरु जी ने अपनी बाणी विच दस्या है कि कर्म करन नाल जो रेख ते लेख पैंदे हन मिटदे नहीं, पर उह मिटदे भी हैं कर्म जीव ने देह धार के कीते हन। देह धारण तों पहला कर्म कित्थे सी? जिसने देह दित्ती सो कर्म दा आद है। फिर जीव हदबंदी वाला है, इस दा समा मुकदा है, कर्म तां ते अमित नहीं हो सकदे, सो आद वाली शै दा अंत है ते मित वाली शै लई मुकना है। मुकण दा रस्ता ए है कि कर्म तां जीव शुभ करे, तां जो अगों नूं अशुभ कर्मां दे संस्कार होर ना वध सकन, ते कर्मां दे सिर कर्म सतसंग करे ते करतार दे कीर्तन विच रचे, उस दे गुण गावे। इउं करतार ते जा मन टिकेगा, उस दी पवित्रता मन नूं पवित्र करेगी। अग तो दूर गया पाला लगदा है, अग दे नेड़े होया निघ आउंदी है। परमेश्वर तो माड़े कर्मां नाल ते भुल नाल विछड़ी दा है, दूर जा पईदा है, भले करके ते याद करके नेड़े होईदा है, नेड़े होके सुखी होईदा है। फिर हरी कीर्तन हर वेले दा ए है कि उसकी याद अंदर सहज दा सुभा बन के टिक जावे। याद प्यार हुंदी है, पर याद सहज विच अंदर टिकना अभ्यास नाल हुंदा है। सो उस दी याद दा अभ्यास उस दे नाम नाल करीदा है, नाम जपीदा है, ते मन नूं उस दी हजूरी विच प्रतीत करन दे यतन विच रखीदा है। है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख साच करते प्रभ पास। ऐं मिट भी जांदे हन कर्म ते कर्मां दे फल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।